अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके बड्स भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे सर्दी का मौसम अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है और सर्दी के मौसम के लिए दाने की जो तरतीब बनती है हमारे यहाँ, तो जो हम अपने बड्स को देते हैं दाना, वो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आज हम किस तरीके से अपने बड्स के लिए सर्दियों का दाना बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चले आए दोस्तों, देखते हैं कि आज हम दाने में क्या क्या चीज़ें मिला रहे हैं और उनकी कितनी कितनी मकदार है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, ये हमारे पास मौजूद है गंदम, और गंदम के साथ भंग का बीज है। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये आ गई। दूसरी चीज़ आ जाए आप सनफ्लावर, ईरानी वाले बीज। ये जो ईरानी बीज हैं, ये बड़े वाले भी हैं, इसमें असल में खाली नहीं निकलते, इससे जो छोटे वाले हैं उसमें से खाली निकलते हैं, इसलिए हम ज़्यादातर ये बड़े वाले ईरानी बीज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद आ जाइए, ये है कनेरी सीड। ये अच्छा गरम दाना होता है, परिंदों को गरम रखता है, तो इसमें कनेरी सीड का भी इस्तेमाल करेंगे हम आज के दाने में। उसके बाद आ जाइए मूंगफली। ठीक है, ये मूंगफली भी अब सर्दियाँ क्योंकि स्टार्ट हो चुकी हैं तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये फैटी होती हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं ये। इसके बाद दोस्तों आ जाइए, ये दो तरह की कंगनी है और मोटी कंगनी है, जिसमें लाल मोटी कंगनी है और प्लस नॉर्मली जो येलो वाली कंगनी होती है मोटी कंगनी वो है, ये दोनों एक मकदार में हमने ली हुई हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आती ही बारी जई की। जई जो है वो सर्दी के मौसम में आप बिल्कुल कम कर दें, कि जस्ट इस तरीके से हिसाब रख लें कि 5 किलो में मुश्किल से आधा पाव के करीब। ठीक है, क्योंकि इसकी तासीर ठंडी है, तो क्योंकि हमारे परिंदे इस चीज़ के आदी हो चुके होते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत ये चीज़ें भी इनको दाने के साथ मिलनी चाहिए। उसके बाद आ गई बारी, इसके अंदर हमने रखा हुआ ये सरसों का बीज। ठीक है, ये सर्दियों में काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये भी ज़्यादा फैटी है और इससे इसकी लेंग के अंदर बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है परिंदों के लिए। ठीक है, इसके बाद सबसे अहम चीज़ तो वो आ गई खुरदुम। ये बहुत बेहतरीन एंटीबायोटिक का काम करता है, तो ये लाजमी परिंदों को देना चाहिए एक मखसूस मकदार के अंदर। ठीक है, यानी कि 5 किलो में तकरीबन एक पाव डाल लें, ये गर्मी सर्दी दोनों मौसम में लाजमी चलाएँ आप परिंदों के अंदर, क्योंकि ये बहुत बेहतरीन एंटीबायोटिक का काम करता है। उसके बाद जो नंबर आता है वो आता है आपका अलसी के बीज। अलसी जो है परिंदों की बोन्स के लिए बहुत बेहतरीन बेहतरीन चीज़ है, तो ये भी लास्ट में परिंदों को दिया करें, ख़ास तौर पे ब्रीडिंग सीज़न यानी कि विंटर सीज़न के अंदर ये अपने परिंदों को लाजमी दें, और नॉर्मली सीज़न के ऊपर भी आप इसको थोड़ा बहुत इस्तेमाल ज़रूर किया करें, ताकि आपका परिंदा आदी रहे इसको खाने का। उसके बाद बारी आ जाती है एज यूजल बाजरे की। बाजरा भी लाजमी दें, ये भी अच्छी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। उसके बाद बारी आती है आपकी जवार की। जवार भी हम तकरीबन 12 महीने अपने परिंदे को देते हैं, बड़े परिंदे को, ये भी बहुत अच्छी इनके फूड के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसकी मकदार हम बहुत ज़्यादा कम रखते हैं। तमाम किस्म के सीड इसलिए हम इनको देते हैं कि इनके अंदर जिस चीज़ की कमी हो वो कमियाँ इनकी पूरी होती रहा करें। दोस्तों, उसके बाद जो बारी आ जाती है नॉर्मली सनफ्लावर सीड्स, जो कि काले बीज कहलाते हैं, अब इसकी मकदार जो है वो बढ़ा दी जाएगी।
क्योंकि सर्दी में परिंदा दाना ज़्यादा अच्छा उठाता है, तो इससे इसकी तमाम जो ज़रूरियात हैं वो पूरी होती रहेंगी, और तासीर में ये गर्म भी है तो इसका भी लाजमी इस्तेमाल करें। और सनफ्लावर के जो बीज हैं उनकी मकदार आप अपने दाने के अंदर बढ़ा दें। तो दोस्तों ये था हमारे जो छोटे से शेड का दाना था जो कि हम अपने परिंदों को देते हैं। हम अपने परिंदों को दाना इस तरीके से देते हैं। अब आप लोगों को जो इसमें अपडेट करनी हो, जो आपके परिंदे शौक से खाते हों दाना, वो ज़रूर आप लाजमी इस्तेमाल करें। और कोशिश करें, जैसे मैंने जई के बारे में बताया, जई की मकदार बिल्कुल कम कर दें, भंग की मकदार भी कम कर दें क्योंकि ये भी तासीर में ठंडा है, ठीक है। लेकिन भंग का बीज बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए होता है क्योंकि ये मेल्स के अंदर जो इनके स्पर्म होते हैं उसकी मकदार भी बढ़ाता है, और प्लस ये फर्टिलिटी को जो है ना वो इम्प्रूव करता है भंग का बीज। तो 12 महीने भंग का बीज लाजमी दीजिए, सर्दी में थोड़ा कम कर दें लेकिन दें ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आज की विंटर सीज़न के दाने की मालूमात। तो अभी हम आपको मिक्स करके इस दाने को दिखा देंगे, और जब ये मिक्स हो जाएगा तो फिर आप देखिएगा कि ये दाना किस तरह दिखता है। दोस्तों ये था आज का इनके मिक्स सीड जो कि हम विंटर सीजन में इनको इस्तेमाल कराते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिए, और जिन हमारे दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें,
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई मालूमती वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।